हेलो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशन मोशन हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम टू डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, द्विविमीय गति की बात करेंगे। एक विमीय गति में हमने स्टडी करते हुए पहले वन डायमेंशन मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है और मोशन की जो कुछ विशेषताएं बताते हुए हमने वन डायमेंशन मोशन में न्यूटन के गति के समीकरण को स्टडी किया था कि न्यूटन के गति के समीकरण क्या हैं, उनको हमने व्युत्पन्न करना सीखा और उन पे बेसिक प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। तो वो हमने वन डायमेंशन मोशन कंप्लीट कर लिया था। उसकी डेफिनेशन हमने बताई थी, किसी कण, कोई भी कण है या पार्टिकल है, किसी कण या पार्टिकल की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता हो, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, उसकी एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, तो हम वन डायमेंशन मोशन कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर्स में और आने वाले लेक्चर्स में हम टू डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति की बात करेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं कि वन डायमेंशन मोशन जो आपकी मोशन होती है, गति होती है, वो थ्री टाइप की हो सकती है। वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और इनके डेफिनेशन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर। इनके नाम से अंडरस्टूड है वन डायमेंशन, एक विमीय गति, जहां एक ही कोऑर्डिनेट या एक ही निर्देशांक में परिवर्तन आता हो वो वन डायमेंशन होगा। जहां दो निर्देशांकों में परिवर्तन होगा वो टू डायमेंशन होगा, और जहां तीनों निर्देशांकों में, तीनों कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आ रहा है वो आपका थ्री डायमेंशन होगा। तो फिलहाल हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, द्विविमीय गति की। ठीक है, किसकी बात करना चाहते हैं, द्विविमीय गति की हम बात करना चाहते हैं, टू डायमेंशन मोशन की हम बात करना चाहते हैं, द्विविमीय गति की हम बात करना चाहते हैं। तो बता दिया, ऐसी गति जिसके दौरान, ऐसी गति जिसके दौरान वस्तु या कण के केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता हो, तो यह गति एक विमीय गति कहलाती है। और किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन आता हो, द्विविमीय गति कहलाती है। और किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता हो, उसकी त्रिविमीय गति कहलाती है। अब वन डायमेंशन मोशन हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है। तो टू डायमेंशन मोशन किसे कहेंगे, द्विविमीय गति किसे कहेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया, आपका एक निर्देश तंत्र बनाया, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड एक्सेस है। ठीक है, तो टू डायमेंशन मोशन क्या होता है सर, इस मोशन के दौरान जो वस्तु है या कण है उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन आएगा। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, कण है सर, उसके तीन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अब इसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है, इसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जो वस्तु है या जो कण है सर, वो किस टाइप का मोशन कर रहा है। अगर एक निर्देशांक में परिवर्तन होगा तो वन डायमेंशन हो रहा है, दो निर्देशांक में परिवर्तन हो गया तो द्विविमीय गति हो गई, टू डायमेंशन मोशन हो गया, और अगर तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन हो गया तो थ्री डायमेंशन मोशन हो गया। तो सर यहाँ टू डायमेंशन के कोई एग्जाम्पल बताइए, ऐसे कौन से मोशन है जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला अगर हम बात करें कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन करे, एक्स वाई प्लेन में गति करे, तो देखिए जब एक्स वाई प्लेन में, जब जैसे मान लो ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो यहां से यहां तक जाने में आप सोचिए सर, इसमें कितने निर्देशांक चेंज होंगे, कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आएगा। तो आप देखो ये सर एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन में हम जानते हैं जेड का मान कितना होता है, जीरो। एक्स वाई प्लेन में हम क्या जानते हैं सर, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। एवरी पॉइंट पे जेड जीरो होगा। पर जब आप इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखो जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो क्या ऊपर की तरफ चल रहे, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। पर आप देखो जब यहां से यहां तक पहुंचे तो आगे भी चल के, आगे पहले यहां यहां है, और जब आप देखो लास्ट में यहां आ गए, तो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट में भी परिवर्तन हुआ है, और सर इधर देखेंगे तो सर वाई कोऑर्डिनेट परिवर्तन हुआ है। तो पार्टिकल जब पॉइंट ए से बी तक जाता है, पार्टिकल जब पॉइंट ए से बी तक जाता है, तो सर उसके दो निर्देशांक एक्स और वाई दो में परिवर्तन हो रहा है, जेड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु या कण एक्स वाई प्लेन में गति करता है, एक्स वाई प्लेन में गति करता है,
तो सर उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन आएगा सर, किसमें? एक्स और वाई में। किसमें? एक्स और वाई में। और किसमें परिवर्तन नहीं आता सर? जेड में। तो ऐसी मोशन, ऐसी जो मोशन है, ऐसी जो गति है सर, वो एक विमीय गति कहलाती। तो एक्स वाई प्लेन में गति। दूसरा एग्जाम्पल सर, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वाई जेड प्लेन में गति हो तो सर, वाई जेड प्लेन में गति होगी तो आप देखो यहां कौन है सर, एक्स विल बी जीरो होता है तो कौन चेंज होगा सर, वाई और जेड। अगर आप एक्स जेड प्लेन में गति करेंगे तो एक्स और जेड में परिवर्तन आएगा सर, यहाँ वाई विल बी क्या होता है, जीरो। तो आप देखो एक्स वाई प्लेन में गति करिए या वाई जेड प्लेन में गति करो या जेड एक्स प्लेन में गति करो सर, यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं सर, यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और सर यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेटों में परिवर्तन आता है। इसलिए ये ऑल जो मोशन है वो सर कैसी है सर, द्विविमीय गति है। या फिर मैंने आपको पहले समझा दिया था कि देखो जब तक वस्तु या पार्टिकल का पथ कैसा होता है, स्ट्रेट सीधा होता है तो वन डायमेंशन होता है, और अगर पथ में घुमाव आ गया तो फिर वो कौन है, टू डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? टू डायमेंशन। ऐसे मैंने बताया था आपको कि घुमावदार रोड पर वाहन की गति, ठीक है, दूसरा घुमावदार पटरी पर ट्रेन की गति। घुमावदार पटरी पर किसकी गति? ट्रेन की गति। अगर मैं बोलूं सीधी रोड पर वाहन की गति तो वन डायमेंशन, हम बोले कि सीधी पटरी पर ट्रेन की गति तो वन डायमेंशन। मतलब जब तक पथ सीधा है, आपको वस्तु वन और टू में तो बहुत सिंपल है, आपको वस्तु या जो कण है उसके पथ को ऑब्जर्व करना है, उसके पथ को आपको लुकआउट करना है। अगर उसकी गति का पथ कैसा है, स्ट्रेट सीधा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, सीधी गति कर रहा है, तो सबके सब क्या होंगे, वन डायमेंशन। सीधी संरेखा में गति, सीधी रोड पर वाहन की गति, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, ये सब ऑल क्या है सर, ये वन डायमेंशन। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा पथ घूम जाए, अगर वस्तु या पार्टिकल पथ घुमा हुआ है तो वो क्या होगा, टू डायमेंशन। जैसे घुमावदार एक्स वाई प्लेन में गति, वाई जेड प्लेन में गति, जेड एक्स प्लेन में गति, घुमावदार रोड पर वाहन की गति, घुमावदार पटरी पर ट्रेन की गति। तो जहां पथ में घुमाव होता है तब वो सारे के सारे क्या होते हैं, टू डायमेंशन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, टू डायमेंशन होते हैं। ऐसे मैं बताऊं आपको, वर्ताकार पथ पे गति, वर्ताकार पथ पे गति करिए आप, तो सर इसमें देखिए सर ये भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है सर। कैसे? तो आप देखो उसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की, तो सर ये लीजिए, ये कौन है आपका, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और सर ये आपका जेड एक्सिस है, और ये कौन है सर, ओरिजिनल है आपका, ठीक है। तो सर अगर आप इस वर्ताकार पथ पे गति करते हैं तो आप देखो सर कितने कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होगा। तो आप देखो यहां से यहां तक एक्स वाई प्लेन में चल रहे, यहां से यहां तक वाई जेड प्लेन में चल रहे, और सर यहां से यहां तक एक्स जेड में, ठीक है। तो पहले यहां से इसमें देख लीजिए इसमें कौन चेंज होगा सर, यहां तो जेड विल बी जीरो, एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या होता है, जीरो होता है। अब सर यहां से यहां तक जब आए तो क्या होगा, लेट अस सपोज सर यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, और वाई एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो सर ये पॉइंट है वन जीरो वाला, ये पॉइंट क्या है, वन जीरो वाला है। अब आप यहां से जब यहां आते हैं तो देखो यहां आकर क्या होगा सर, आप वाई एक्सिस पे आ गए तो सर वाई एक्सिस पे क्या होता है सर, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ये कौन है सर, वाई लेट अस सपोज कितना है, वन है, लेट अस सपोज कितना है, वन है, रेडियस कितना है, ये बोल, तो ये भी कितना होगा, वन। तो आप देखो यहां पे जो पार्टिकल था तो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, वन जीरो, और जब वो यहां से यहां पहुंचे तो कितना हो गया, जीरो वन। तो आप देखिए जो एक्स यहाँ पे वन था सर, वो चेंज होकर कितना हो गया, जीरो, परिवर्तन होकर कितना हो गया, जीरो। और जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो था सर, वो परिवर्तन होकर कितना हो गया, वन। तो आप देखो यहां से यहां तक जाने में क्या चेंज हो रहा है सर, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वन से जीरो हो गया सर, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ सर, जीरो से वन हो गया। तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, दो, एक्स और वाई, और किस कौन चेंज हो रहा सर, जेड। तो देखो यहां से यहां तक जो मोशन है सर, उसमें क्या हो रहा है सर, दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है। तो सर ये कौन से मोशन हुई, टू डायमेंशन। ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो सर यहाँ पे y और z चेंज होंगे, x विल बी जीरो, और अगर सर यहाँ देखेंगे तो सर यहाँ x और z चेंज होंगे सर, y विल बी जीरो। तो आप देखो इस पूरे मोशन के ड्यूरेशन में जब आप सर्किल पे चलते हैं तो आपके केवल दो ही कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आता है, आपके केवल दो ही निर्देशांकों में परिवर्तन आता है। इसलिए ये जो मोशन है सर, वो क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। ऐसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर लीजिए, इस तरह से कर दिया आप, ऐसे पत्र को आप यू फेंकी तो आप ऐसा एक प्रक्षेप बनाएगा, तो इस तरह का जो मोशन है सर, वो भी कौन है, टू डायमेंशन। तो वर्ताकार पथ पे गति, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति, ये सब किसके उदाहरण है, टू डायमेंशन मोशन के उदाहरण, ठीक है, टू डायमेंशन मोशन के उदाहरण। तो क्या है टू डायमेंशन मोशन, बहुत सिंपल है, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति,
किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, उसके केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन आता है द्विविमीय गति कहलाती है। उसके एग्जांपल कौन है सर? एक्स वाई प्लेन में गति या वाई जेड प्लेन में गति, घुमावदार रोड पर वाहन की गति, घुमावदार पटरी पर ट्रेन की गति, या फिर बोल दिया सर आपने वर्ताकार पथ पे गति, और लास्ट में क्या बोला प्रक्षेप गति। तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग टू डायमेंशन मोशन के देख सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एग्जांपल है तो वो ये है हमारा, एक तो है सर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति, और सर दूसरा कौन है वर्ताकार पथ पे गति। तो यही हमारे चैप्टर के टॉपिक होंगे टू डायमेंशन मोशन में, हम इन दो मोशन को ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति, और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सर वर्ताकार पथ पे गति या वर्ती गति। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं सर? टू डायमेंशन मोशन के, ठीक है। तो वर्ती पथ पे गति भी स्टडी करेंगे और प्रक्षेप गति भी स्टडी करेंगे, दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ दोनों से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे। तो हमें दो ही टॉपिक इस चैप्टर में स्टडी करने हैं, एक तो प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा है सर वर्ताकार पथ पे गति सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर टू डायमेंशन मोशन को आगे बढ़ाते हैं, तो फिलहाल हमने डेफिनेशन कर ली, उसके एग्जांपल कर लिए। अब देखिए इसमें टू डायमेंशन मोशन में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं सर, विस्थापन भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी निकालेंगे, फिर वेग वेलोसिटी की बात करेंगे, थर्ड एस्केलेशन भी निकालेंगे, ठीक है। वन डायमेंशन मोशन में भी हमने सबकी बात करी थी, अब हम विस्थापन वेग और त्वरण, विस्थापन वेग और त्वरण हम कौन सी मोशन में निकालना चाह रहे हैं सर? टू डायमेंशन मोशन में निकालना चाह रहे हैं, टू द्विविमीय गति में, द्विविमीय गति में हम क्या क्या निकालना चाहते हैं सर? विस्थापन निकालेंगे, दूसरा वेग भी निकालेंगे, तीसरा हम थर्ड हम त्वरण भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विस्थापन वेग और त्वरण के, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि सर सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिनल है आपका, ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है, और सर ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। और लेट अस सपोज सर ये इस तरह से मोशन हो रहा है, और इसमें किसी पॉइंट पर माना ये कोई बिंदु पी है सर, इस पर इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है सर? इसका विस्थापन निकालना है सर, इसका वेग निकालना है, और सर इसका त्वरण निकालना है, ठीक है। तो सर इसकी पोजिशन वैक्टर क्या होगा यहाँ पे सर? इसका जो पोजिशन वैक्टर हम लिखेंगे आप, तो सर इसके कोऑर्डिनेट लिखो, क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट? तो सर टू डायमेंशन मोशन है, तो सर पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा y। तो सर एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहे हैं, तो सर दो ही कोऑर्डिनेट होंगे x और y। क्यों सर? क्योंकि सर एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, z की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो केवल हम यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट लेंगे। वैसे तो हमने आपको पोजिशन वेक्टर r लिखना सिखा रखा है कि कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट कौन हो x y और z, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, सर ये उसका पोजिशन वेक्टर होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, सर ये इसका क्या होता है सर? पोजिशन वेक्टर होता है। पर ये कब है सर? जब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो। पर अभी हम किसके बात कर रहे हैं? टू डायमेंशन मोशन की बात करें, एक्स वाई प्लेन में गति हो रही है, जेड यहाँ पे जीरो होगा, और जेड अगर जीरो तो एक्स वाई और जेड कितना होगा? जीरो। तो केवल दो ही कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो इस केस में इस पार्टिकल का जो विस्थापन होगा, जो इसका स्थिति सदिश होगा सर, वो कितना होगा सर? क्या आएगा? एक्स आई के प्लस वाई जेड के, एक्स आई के प्लस वाई जेड के। तो हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि माना एक वस्तु है जो बिंदु P पर प्रेजेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स और वाई है। तो किसी समय पर इसका जो पोजिशन वेक्टर होगा या इसका जो विस्थापन समीकरण होगा, इसका जो विस्थापन होगा सर डिनोटेड बाई आर, सर इसका विस्थापन हम कैसे लिखेंगे? R equivalent लिखेंगे x i k plus y j k। तो सर ये है समीकरण नंबर 1, जो कौन है सर? टू डायमेंशन मोशन में द्विविमीय गति में विस्थापन समीकरण को व्यक्त करता है, या द्विविमीय गति में विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सर टू डायमेंशन मोशन विस्थापन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर थ्री डायमेंशन लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, क्योंकि थ्री डायमेंशन मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आता है, एक्स में भी चेंज आता है, वाई में भी आता है, और जेड में भी आता है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन पे बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन की। तो सर टू डायमेंशन में
हम केवल x और y दो ही कोऑर्डिनेट लेंगे, कोई से भी ले लो, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, जेड एक्स ले लो, कोई भी दो ही लेने, तीसरे कंपोनेंट को जीरो लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा एक्स वाई प्लेन में मोशन है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, वाई जेड प्लेन में मोशन कर रहे हो तो वाई और जेड लो, एक्स विल बी जीरो, और अगर जेड एक्स प्लेन में आ रहे हो तो फिर यहाँ पे जेड और एक्स लेना पड़ेगा, वाई क्या रहेगा जीरो रहेगा, वाई क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखियो क्या है इसमें, इसमें देखिए आप यहां से अगर हम निकालें, यहां से अगर अपन काम करें तो देखिए क्या है, अगर अपन इसमें यहां से बात करते हैं तो विस्थापन हमने निकाल लिया सर। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर डी वी में गति में वस्तु का किसी समय वेग, वेग निकालना चाह रहे, वेलोसिटी की बात करना चाह रहे सर, वेग वी निकालिए, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम जानते हैं कि वेग डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता हो, डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है, उसका वेग निकाला जा सकता है, और वेग अगर हमें पता हो तो उसका त्वरण भी निकाला जा सकता है। सर कैसे, सर ये आपने पहले बता दिया, सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और आपने बताया था कि यदि विस्थापन का क्या करें आउटलन, यदि हम विस्थापन का क्या कर दें आउटलन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलती है वेलोसिटी मिलती, क्या मिलती है वेलोसिटी मिलती, ठीक है वेग मिल गया। और सर अगर हम वेग का एक बार आउटलन और कर दें तो सर हमें त्वरण मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, काफी डिटेल में किया था कि अगर हमें विस्थापन पता हो तो क्या करेंगे उसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का एक बार फिर से डिफरेंशियल कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हमें क्या मिलेगा एस्केलेशन, हमें क्या मिलेगा एस्केलेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो बताइए हमारे पास में क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है, विस्थापन हमारे पास में है, हमें क्या निकालना है वेग, और फिर हम क्या निकालेंगे त्वरण। तो वेग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, जो डिस्प्लेसमेंट है सर उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना x था, तो dx by dt पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ विस्थापन कितना है r है सर, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी सर वो कितनी होगी, सर यहाँ जो वेलोसिटी होगी सर वो होगी dr upon dt, dr upon dt। विस्थापन का हम क्या करेंगे सर, विस्थापन का हम आउटलन करेंगे, विस्थापन का हम क्या कर रहे हैं आउटलन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी वेलोसिटी। तो बताइए अब हमारे पास क्या आर, आर की वैल्यू हमारे पास में है क्या सर, कितना आया तो ये एक्स आई के प्लस वाई जी के, तो आप विस्थापन की वैल्यू समीकरण वन से उठाए और समीकरण नंबर टू में लाके पुट करें, इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए, इक्वेशन नंबर टू में आके पुट कर दें, तो आर की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलिए बोलो कितना आएगा सर, वेलोसिटी इक्विवेलेंट कितना आएगा सर डी अपॉन डी टी, और किसकी वैल्यू पुट करनी है आर की, किसकी वैल्यू पुट करनी है आर की, सर आर की वैल्यू कितनी है, तो ये है एक्स आई के प्लस वाई जी के, ये हमने सर आर की वैल्यू पुट करी, ओके। फिर आगे करिए सर, कैसे करेंगे सर, आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करना तो अपने सीख रखे, आउटलन करना है, आउटलन करना हमें आता है सर, कैसे करेंगे सिंपल सा है सर, आप देखो ब्रैकेट में क्या है सर, दो या दो से अधिक फंक्शन, हमने डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी सीखी थी कि ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो और बीच में किसका साइन हो प्लस या माइनस का, किसका साइन हो प्लस या माइनस का, तो फिर कैसे करते हैं सर, प्रत्येक राशि का अलग अलग आउटलन करेंगे, प्रत्येक राशि का अलग अलग आउटलन करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो और मिड में किसका साइन हो प्लस या माइनस का हो, तो प्रत्येक फलन का, प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग आउटलन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो फिलहाल देखो ये दो फंक्शन है, बीच में किसका साइन है प्लस का, तो हम क्या करेंगे सर दोनों का अलग अलग आउटलन करना होगा, तो करिए सर वेलोसिटी वी कितनी आएगी हमारे पास में सर, इसका अलग से आउटलन तो कितना आएगा सर डी एक्स बाई डी टी, और साथ में क्या आएगा आई कैप प्लस, अब चलिए सर ये क्या आएगा सर डी वाई अपॉन डी टी, और साथ में कौन आएगा जे कैप, साथ में कौन आएगा जे कैप, ओके सर हमने डिफरेंशियल कर दिया, तो सर ये हमें वेलोसिटी मिल रही है। पर एक देखो सर डीएक्स बाई डी टी कौन है सर, सर ये है एक्स दिशा में विस्थापन, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर एक्स, जैसे हम बात करें सर इससे आप लंब ट्रेस करें सर, इससे आप लंब ट्रेस करें, तो ये तो कौन है सर एक्स, एक्स दिशा में डिस्प्लेसमेंट, और सर ये कौन है वाई, वाई दिशा में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो देखो x कौन है, x दिशा का विस्थापन है, तो जब यहां विस्थापन किसका है x दिशा का, यहां विस्थापन किसका है y दिशा का, पर एक्चुअल में है कौन सर, ये है विस्थापन का परिवर्तन, विस्थापन का आउटलन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विस्थापन का क्या कर रहे हैं आउटलन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सर यहां भी देखो विस्थापन क्या कर रहे हैं आउटलन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और हम पहले बता चुके हैं कि यदि हम विस्थापन का क्या करें आउटलन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलती है वेलोसिटी, हमें क्या मिलती है वेलोसिटी। तो आप देखो ये भी कौन है विस्थापन का आउटलन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
ये भी कौन है विस्थापन का उपकरण विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये भी कौन है वेलोसिटी, ये भी कौन है वेग, ये भी कौन है वेग। जैसे देखो ये रहा विस्थापन क्या करे अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसको जाता है वेलोसिटी को जाता है, किसको जाता है वेलोसिटी को जाता है। लेकिन आप देखो ये विस्थापन कौन सी दिशा का है, एक्स दिशा का विस्थापन है, तो विस्थापन जब एक्स दिशा का है तो डेफिनेटली ये वेग भी किसका होगा एक्स दिशा का होगा। ऐसे ही सर ये वाई विस्थापन कौन सी दिशा का है, सर ये वाई दिशा का, किसका है सर ये वाई दिशा का है। तो आप बताइए अगर विस्थापन वाई दिशा का है तो फिर ये वेग जो मिलेगा सर वो भी किसका मिलेगा वाई दिशा का मिलेगा। तो कुल मिला के हम इसको लिखेंगे v इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे वी एक्स आई केयर प्लस वी वाई जे केयर, वी एक्स आई केयर और वी वाई जे केयर, जहां पूरा लिखा जा सकता है सर वी एक्स कौन है सर एक्स दिशा में वेग, एक दिशा का वेग वस्तु या कण का एक दिशा का वेग, और Vy कौन है सर Y दिशा का वेग। तो Vx तो कौन है सर Vx है कण का x दिशा में वेग, और सर ये Vy कौन है सर ये है कण का y दिशा में वेग। ठीक है Vx तो कौन है कण का x दिशा में वेग और Vy कौन है कण का y दिशा में वेग। ठीक है तो इस तरह से देखो हमने क्या निकाल लिया सर वेग निकाल लिया, क्या निकाल लिया सर वेग की बात हमने कंप्लीट कर ली है। समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो क्या इसको प्रदर्शित करता है डी विमेय गति में, डी विमेय गति में वेग के सूत्र को प्रदर्शित करता है, क्या करता है सर वेग के सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो देखो टू डायमेंशनल मोशन कर रहे थे इसके कोऑर्डिनेट कौन थे एक्स और वाई, तो सबसे पहले डी विमेय गति में हमने क्या लिखना सीखा सर विस्थापन समीकरण लिखना सीखा, तो सर वो तो बहुत सिंपल था एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप होता है, लेकिन यहाँ टू डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ ए कोऑर्डिनेट जेड कितना है जीरो है तो एक्स और वाई ही आएगा। ठीक है फिर हम जाते हैं सर विस्थापन क्या करेंगे अवकलन सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर हमें क्या मिलेगा वेग, हमें क्या मिलेगा वेग, हम वेग निकाल चुके। अब सर हमें क्या निकालना त्वरण, जो थर्ड पॉइंट है इसका सर यहाँ हम त्वरण की गणना भी करेंगे, त्वरण को कैलकुलेट करेंगे सर त्वरण निकालेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखो त्वरण निकालने के लिए सिंपल बताया था सर ये कौन आपका विस्थापन, विस्थापन का क्या किया हमने अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ गई वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का क्या करो अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। तो विस्थापन था विस्थापन का अवकलन किया वेग आ गया, तो सर यहां तक आ गए, वो कहना चाहते सर वेग का एक बार अवकलन और कर दीजिए, वेग का एक बार अवकलन और करिए सर क्या मिलेगा त्वरण, तो हमें क्या निकालना है त्वरण, तो समीकरण दो का क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा, तो फिर से हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो त्वरण ए इक्विवेलेंट क्या आएगा सर त्वरण बराबर आता है डी वी अपॉन डी वी, डी वी अपॉन डी वी। वेग का हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा त्वरण। ठीक है पर बताओ क्या वेग हमारे पास ऑलरेडी है क्या, हाँ सर समीकरण दो में वेग हमने निकाल रखा है, तो समीकरण दो से वैल्यू उठाओ और यहाँ लाके पुट करो, तो हमारे पास त्वरण कितना आएगा सर हमारे पास त्वरण आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं वेग की, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं वेग की, तो सर वेग की वैल्यू कितनी है सर वेग की वैल्यू हमारे पास वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के सर ये हमने त्वरण निकाल लिया, क्या निकाल लिया त्वरण। अब वापस से क्या सर इसका डिफरेंशियल करो, अब वापस से सर क्या करो डिफरेंशियल करो सर कैसे कर, सर वही है कि ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो, ब्रैकेट में दो या दो से अधिक फंक्शन हो और सर बिटवीन किसका साइन हो प्लस या माइनस का, किसका साइन हो प्लस या माइनस का, तो क्या करते हैं सर दोनों का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ दो फंक्शन वी एक्स और वी वाई है और साइन किसका है प्लस का है, तो सर वी एक्स का अलग से अवकलन करेंगे और सर वी वाई का अलग से अवकलन करेंगे, वी एक्स का अलग से अवकलन करेंगे और वी वाई का अलग से अवकलन करेंगे, तो बताइए कितना आएगा, आप देखिए कितना आएगा अवकलन करें तो कितना आएगा सर इसका अलग से, तो डी वी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस क्या होगा डी वी वाई अपॉन डी टी, ये कौन है सर जे कैप, कौन है आपका जे कैप, तो सर ये है आपका। ठीक है आप देखो यहां से क्या है सर ये हमने निकाल लिया, तो ये कौन है सर अवकलन कर दिया, पर आप देखो ये कौन है सर ये है वेग में परिवर्तन की दर, या वेग का क्या कर रहे हैं अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या है सर वेग का अवकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप जानते हो अगर वेग का हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा त्वरण, वेग का अवकलन क्या मिलता है त्वरण, तो आप देखो ये भी वेग में परिवर्तन की दर है या वेग का अवकलन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर ये भी क्या होगा त्वरण और ये भी क्या होगा त्वरण। ठीक है
लेकिन यहां वेग कौन सी दिशा का है? Vx कौन है सर? x दिशा का वेग। Vy कौन है सर? y दिशा का वेग। तो आप बताइए, जब वेग x दिशा का है तो सर यहां जो त्वरण मिलेगा सर वो भी किसका मिलेगा? x दिशा का। यहां वेग किसका है? y दिशा का है, तो फिर त्वरण भी किसका मिलेगा? y दिशा का। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, जहां ए एक्स कौन है बताइए सर? ए एक्स हमने लिखा डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये कौन है सर? एक्स दिशा का त्वरण, एक्स दिशा में त्वरण। ओके सर, ए वाई कौन है सर? ये लिखा डी वी वाई अपॉन डी टी, सर ये कौन है सर? ये है वाई दिशा में त्वरण, वाई दिशा में त्वरण। तो आप देखिए, इस तरह से हमने टू डायमेंशन मोशन में डी वी में गति में विस्थापन को लिखना सीख लिया, कि टू डायमेंशन मोशन विस्थापन कैसे लिखेंगे, फिर वेग कैसे लिखेंगे और त्वरण कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल सा है ये, तो अगर आप शॉर्ट देखें, निकाल लिया हमने, तो सर ये रहा एक्स, क्या है सर? एक्स आई के प्लस वाई जे के, दो कोऑर्डिनेट होता है सर। और सर अगर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, और अगर मुझे क्या लिखना है सर? वेग v, क्या लिखना है? वेग v लिखना है, तो सर कितना आएगा? सर ये आएगा आपका वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। और सर फिर क्या लिखेंगे? त्वरण a, तो क्या लिखेंगे सर? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, हो गया। तो सर इस तरह से हमने टू डायमेंशन मोशन में विस्थापन लिखना सीखा, फिर वेग लिखना सीखा और फिर त्वरण लिखना सीखा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया इसको, ठीक है। पर आप देखिए, टू डायमेंशन मोशन में विस्थापन, वेग और त्वरण लिखना सीख लिया, पर यही क्वेश्चन थ्री डायमेंशन में भी आ सकता है। यही क्वेश्चन किस में आ सकता है? थ्री डायमेंशन की बात भी कर सकता है, कि थ्री डायमेंशन में क्या निकालो, विस्थापन निकालो, वेग निकालो, त्वरण निकालो। तो सर कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, थ्री डायमेंशन मोशन का मतलब ये हुआ कि सर अब जो पार्टिकल है सर उसके तीनों कोऑर्डिनेट या तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें, अगर थ्री डायमेंशन, यही आर्टिकल हम किसके लिए करें? थ्री डायमेंशन के लिए करेंगे, तो अभी तो टू में कर लिया, पर यही टॉपिक किसमें आ सकता है सर? थ्री डायमेंशन में आ सकता है। तो अगर यही टॉपिक थ्री डायमेंशन मोशन की हम बात करेंगे, तो सर थ्री डायमेंशन में क्या होगा देखिए, यही हम बात किसमें करना चाहते हैं सर? अगर थ्री डायमेंशन मोशन हो, थ्री विमी गति हो, तो कैसे करें? यही टॉपिक अगर टू में आएगा, तो हमने कर लिया डिस्प्लेसमेंट लिखा, वेलोसिटी लिखा, एक्सेलरेशन लिखा। पर अगर हम इसी टॉपिक को थ्री डायमेंशन मोशन में करें, थ्री विमी गति में करें, तो कैसे होगा? तो देखो, थ्री डायमेंशन मोशन का मीनिंग क्या होता है कि सर ये कौन है आपकी एक्स डायरेक्शन, ये कौन है आपका वाई डायरेक्शन, ये कौन है आपका जेड डायरेक्शन। तो पहले तो समझो सर, थ्री डायमेंशन मोशन होता क्या है? तो हमने बताया था आपको कि वन डायमेंशन हम बात कर चुके हैं, फिर टू डायमेंशन की बात भी कर चुके हैं हम लोग। तो सर वन डायमेंशन मोशन में क्या बताया था हमने आपको, कि केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, पार्टिकल या वस्तु या कण के एक ही निर्देशांक में चेंज हो तो वन डायमेंशन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सीधी मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन जो मोशन हो रहा है, सीधी पटरी पर वाहन की गति, सीधी रोड पर वाहन की गति, एक्स दिशा में गति, वाई दिशा में गति, चींटी की धागे पर गति, ये सब के सब क्या है सर? वन डायमेंशन मोशन। सब के सब क्या है? एक विमीय गति है। फिर इसके बाद में सर द्विविमीय गति हमने किया, कि जहां दो निर्देशांकों में परिवर्तन आता हो सर वो द्विविमीय गति कहलाती है। और एग्जांपल बता दिया सर, वर्ताकार वर्ताकार पथ पर गति, प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप गति, ठीक है, घुमावदार पटरी पर ट्रेन की गति, घुमावदार रोड पर वाहन की गति, एक्स वाई प्लेन में गति, सबके सभी सर कौन है सर? टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन मोशन की, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांक, कितने निर्देशांक है सपोज करो सर, एक्स वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आना चाहिए, तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आपको केवल कण या वस्तु की गति को ऑब्जर्व करना है, मोशन करते समय
आप ये ऑब्जर्व करें कि उसके कितने कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आ रहा है, उसके एक कोऑर्डिनेट में आ रहा है, उसके दो कोऑर्डिनेट में आ रहा है, या उसके तीनों कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट में आएगा तो वन डायमेंशन, दो में आएगा तो टू डायमेंशन, अगर तीनों में चेंज आ रहा है तो जो होगा थ्री डायमेंशन। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान, जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, सर थ्री डायमेंशन मोशन कहलाता है। सर थ्री डायमेंशन मोशन के एग्जांपल बताइए। तो देखो, अगर थ्री डायमेंशन मोशन की हम बात करें तो यहां पार्टिकल तीनों निर्देशांकों में चेंज करेगा तो तीनों दिशाओं में गति करेगा, एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है, जेड में भी जाता है। अगर आप बात करें कि अगर आप सीधी रेखा में चल रहे हैं तो वन डायमेंशन होगा, अगर आप प्लेन में चल रहे हैं तो टू डायमेंशन कर सकते हो, प्लेन पे वन डायमेंशन भी हो सकता है, आप सीधा चल वन डायमेंशन भी हो जाएगा। तो रेखा पर वन डायमेंशन होता है, प्लेन में टू डायमेंशन भी हो सकता है, वन डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है। सीधा चलोगे तो वन डायमेंशन, घूमते हुए चलोगे तो टू डायमेंशन, लेकिन कभी भी रेखा पर थ्री डायमेंशन नहीं हो सकता, कभी भी प्लेन पे थ्री डायमेंशन नहीं हो सकता। अगर आपको थ्री वी में गति करना है, थ्री डायमेंशन मोशन करनी है, तो प्लेन से उठकर हवा में आना पड़ेगा। किसमें आना पड़ेगा? हवा में आना पड़ेगा। जब आप हवा में मोशन करते हैं, हवा में मूव करते हैं, तो वहां थ्री डायमेंशन मोशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में आने का मतलब हमने थ्री डायमेंशन मोशन कर दी, थ्री हवा में तो हम तीनों मोशन कर सकते हैं। कैसे? सर आप हवा में सीधे किसी पत्थर को नीचे गिराते, सीधे गिराते आप स्ट्रेट लाइन, सीधा आप ये है आपका, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा गिरा दे, तो आप ऐसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, सीधा गिरेगा वो। तो अगर इसको सीधा गिरा रहे, हवा में मोशन है, तो कौन सी गति है? वन डायमेंशन। इसको आप थोड़ा सा नैरो करके फेंक दीजिए तो इसका देखो मोशन कैसे होगा, इस तरह से जाएगा। तो ये कौन सी मोशन है? टू डायमेंशन मोशन। इसमें मूव है हवा में, तो हवा में तो वन डायमेंशन भी हो सकता है, हवा में टू डायमेंशन भी हो सकता है, और हवा में थ्री डायमेंशन मोशन भी हो सकता है। हवा में तो जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो अगर तीनों मोशन कर सकता है, लाइन पे देखो एक ही मोशन होता है वन डायमेंशन, प्लेन में वन और टू दोनों हो सकते हैं। हवा की बात करोगे तो वहां वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और थ्री भी हो सकता है, ठीक है। हवा में मतलब ये नहीं थ्री डायमेंशन ही हो रहा है, हवा में रहकर आप वन डायमेंशन मोशन भी कर सकते हो, हवा में रहकर टू डायमेंशन मोशन भी कर सकते हो, और हवा में रहकर थ्री डायमेंशन। मतलब पर ये जरूर है कि थ्री डायमेंशन मोशन के लिए आपको हवा में आना ही पड़ेगा, ना आप लाइन पे थ्री डायमेंशन मोशन कर सकते हो, ना प्लेन पर रहकर थ्री डायमेंशन मोशन कर सकते हो। अगर आपको थ्री डायमेंशन मोशन करना है तो आपको एयर में आना पड़ेगा, हवा में आना पड़ेगा, इस तल से ऊपर उठकर आना पड़ेगा, और फिर आपको तीनों दिशाओं में मूवमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कौन कौन कर सकता है, और तीन दिशा मतलब आपको देखो, मैं जैसे हाथ मूव कर रहा हूँ एक्स वाई जेड डायरेक्शन, देखो हर दिशा में मूव कर रही है, ठीक है। इसकी परफेक्ट को डायरेक्शन नहीं, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, और जेड में भी जा रहा है। तो ये जो मोशन हुई वो कौन हो? थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? बहुत सारे हैं। आप देखो मच्छर की गति देखिए, है ना, कोई भी मच्छर कैसे मूव करता है? सर अप डाउन लेफ्ट राइट मूव यू करता रहता है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि साहब वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन चलेगा, ठीक है, वो एक्स वाई और जेड दिशा में कहीं भी मूव करता रहता है, तो उसके कौन सी मोशन है? थ्री डायमेंशन मोशन। ऐसे आप पक्षी की गति देखिए, पक्षी कभी अप कभी डाउन कभी ब्लो कभी स्ट्रेट कभी न्यूट्रल, आप देखो उसका मोशन भी ऐसे ऐसे होता रहता है, तो वो भी क्या है? थ्री डायमेंशन मोशन है। पतंग की गति देख लीजिए आप, पतंग की गति भी कौन सी मोशन में आती है? थ्री डायमेंशन मोशन में आती है, ठीक है। तो आप समझ रहे कि हवा में रहकर हम थ्री डायमेंशन मोशन कर सकते हैं, मच्छर की गति है, पतंग की गति है, ठीक है, और हम इस तरह से देखेंगे, और पक्षी की गति है, सबके सब क्या है? थ्री डायमेंशन मोशन होता है। तो किसी वस्तु या कण की ऐसी गति, वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, जिसके दौरान उसके तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, क्या कहलाता है? सर त्रिविमीय गति कहलाती है, ठीक है। तो अब हम इस त्रिविमीय गति में एग्जाम्पल कौन है? सर एग्जाम्पल है आपका पक्षी की गति, मच्छर की गति, ठीक है, पतंग की गति। अब इस त्रिविमीय डायरेक्शन में भी हमें त्रिविमीय गति में क्या लिखना है? विस्थापन, फिर क्या लिखना है? वेग, और फिर क्या लिखना है? फोर्स। तो थ्री डायमेंशन मोशन लिखो। तो सर यहां जो थ्री डायमेंशन मोशन में अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो सर उसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड। तो अगर वन डायमेंशन तो हम एक्स लेकर ही काम कर लेते हैं, टू में हमने एक्स और वाई दोनों लिए, अब थ्री डायमेंशन बोल रहे हो तो एक्स वाई और जेड तीनों होंगे। एक्स वाई और जेड क्या होंगे? तीनों होंगे। तो यहां आप देखो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? सर विस्थापन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? विस्थापन आर। तो सर अभी बताया था हमें लिखना आर, विस्थापन आर कैसे लिखा जा सकता है? तो सर डिस्प्लेसमेंट आर जो लिखा जाता है सर वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड,
एक ही होगा तो x लिख देंगे, x i कैप लिख देंगे, दो में क्या लिखा, x i कैप y j कैप, अब तीनों चेंज हो रहे तो x भी लेंगे, y भी लेंगे, z भी लेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, हो गया समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण 1 किसको दिखाता है, सर ये दिखाता है त्रिविमीय गति में, थ्री डायमेंशनल मोशन में विस्थापन समीकरण को। अब इसमें हमें क्या लिखना है, वेग लिखना है। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, वेग, वेलोसिटी लिखेंगे। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सर क्या समीकरण एक जो विस्थापन है उसका अवकलन कर दो, हम जानते हैं विस्थापन का क्या करेंगे अवकलन, तो क्या आएगा वेग, तो वेलोसिटी भी कितना आएगा, सर ये आएगा डी आर बाई डी, विस्थापन का क्या कर दीजिए अवकलन, तो क्या आता है वेग। पर देखो हमारे पास विस्थापन की वैल्यू है क्या समीकरण वन से, तो उठा के यहाँ रखिए, तो क्या आएगा वेग हमारे पास आ जाएगा, तो कितना आएगा डी अपॉन डी पी, और बाहर अंदर कौन है, सर आर की वैल्यू पुट करो, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, हो गया। अब क्या करना है सर, सर ब्रैकेट में अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन है, तो सर सबका क्या होगा अलग अलग अवकलन होगा, तो सबका अलग अलग अवकलन कर दीजिए, कितना आएगा, सर पहला आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी आई केप, फिर दूसरा डी वाई अपॉन डी टी जे केप, प्लस तीसरा डी जेड अपॉन डी टी के केप, हो गया। पर एक्चुअल में ये कौन है, सर ये भी है विस्थापन में परिवर्तन की दर या विस्थापन का अवकलन टाइम के रेस्पेक्ट, ये है सर विस्थापन में परिवर्तन वाई दिशा में, और ये भी विस्थापन में परिवर्तन जेड दिशा में। तो देखो आप देखो ये भी विस्थापन में परिवर्तन की दर है, वेग है मेन, ये भी विस्थापन परिवर्तन की दर है, और ये भी विस्थापन परिवर्तन की दर है, पर विस्थापन इसका मेन हमारे ये भी कौन है वेग, और ये भी कौन है वेग, और ये भी कौन है वेग, पर ये विस्थापन कौन सी दिशा का है, एक दिशा का, तो यहाँ वेग भी किसका आएगा एक दिशा में, ये विस्थापन कौन है वाई दिशा में, तो वेग भी क्या होगा वाई दिशा में, ये विस्थापन क्या है जेड दिशा का, तो फिर वेग भी क्या होगा जेड दिशा को, क्या लिख देंगे इसको, सर इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ओके। तो ये समीकरण नंबर 2 हमने क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया, क्या निकाल लिया वेग निकाल लिया। अब क्या निकालना है सर, त्वरण निकालना है, तो आप त्वरण निकालिए, तो त्वरण ए कैसे निकालेंगे बताइए, अगर त्वरण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सर त्वरण ए क्या होता है, सर सर बताया था आपने वेग का क्या करो अवकलन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या जाएगा त्वरण। तो देखो पहले क्या था विस्थापन, क्या किया अवकलन, क्या आ गया वेग, वेग का फिर से क्या करेंगे अवकलन, क्या आएगा त्वरण, तो वेग का वैल्यू पुट करो, तो डी अपॉन डी टी, वेग की वैल्यू लिखो क्या है सर, फिर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, हो गया। अब सर अवकलन करो तो कितना आएगा, सर ये आएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप, हो गया। तो आप देखो ये कौन है सर, सर ये है वेग में परिवर्तन की दर, कौन है त्वरण, सर ये भी कौन है वेग में परिवर्तन की दर, कौन है त्वरण, सर ये भी कौन है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, तो ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण, पर ये वेग कौन सी दिशा का है एक दिशा का, इसलिए त्वरण भी क्या आएगा एक दिशा का, तो कितना आएगा ए एक्स आई कैप, ये वेग किसका है वाई दिशा का, तो यहां त्वरण भी किसका आएगा वाई ए वाई जे कैप, सर ये वेग किसका है जेड दिशा का, तो त्वरण भी किसका आएगा जेड दिशा का ए जेड, जहां हम लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड, कौन है सर, सर ये है डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये कौन है सर x दिशा में त्वरण, सर ये कौन है डी वी वाई अपॉन डी टी, ये कौन है सर y दिशा में त्वरण, और सर ये ए जेड कौन है सर, ए जेड है आपका डी वी अपॉन डी जेड अपॉन डी टी, क्या है सर ये है z दिशा में त्वरण, ओके। तो इस तरह से हमने आपको थ्री डायमेंशन मोशन में भी आपको विस्थापन वेग और त्वरण लिखना सिखाया, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आ जाता है कि टू डायमेंशन मोशन से क्या समझते हो, टू डायमेंशन मोशन में वेग विस्थापन वेग और त्वरण लिखिए, या थ्री डायमेंशन मोशन से क्या समझते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन में क्या लिखना है विस्थापन वेग और त्वरण लिखना, ठीक है। और देखो अगर समरी बोले तो बहुत सिंपल है, ये है आपका x, क्या होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, हो गया विस्थापन सर वेग, सर ये रहा वी एक्स आई के वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप, और सर त्वरण कितना आया, सर त्वरण आ गया हमारे पास ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के
प्लस ए जेड ए टेन। ठीक, तो यहां देखो एक्स वाई जेड तीनों है तो थ्री डायमेंशन हो गया। इसमें जो जेड फैक्टर हटा दीजिए आप, इसको जेड को जीरो कर दो तो टू डायमेंशन हो गया। पहले जेड कितने, अब जेड जीरो कर दिया तो जेड जीरो, तो वेट जेड से वेट भी जीरो, जेड से अंतरण भी जीरो। तो अब देखो ये टू डायमेंशन का रिजल्ट आ गया। इसमें से वाई कंपोनेंट और हटा दो, ये लो वाई को जीरो कर दो, तो देखो ये अब एक दिशा वन डायमेंशन आ गया। तो कुल मिला के जो तीन रिजल्ट आपने निकाल रखे इसी में से एक एक फैक्टर कम करते जाओगे तो टू का आएगा फिर वन का आएगा, तो आप किसी का भी आसानी से लिख सकते हो। तो आज इस लेक्चर में हमने सीखा टू डायमेंशन मोशन क्या है, थ्री टाइप की होती है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन हम पूरी पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन में हमने विस्थापन, वेग और त्वरण लिखना सीखा, पर कनेक्टेड भी हमने थ्री डायमेंशन भी लिख दी। तो थ्री डायमेंशन मोशन की हम बात नहीं करेंगे हमारे इस 11th क्लास चैप्टर में, टू डायमेंशन मोशन की बात ही होगी, लेकिन ये टॉपिक कनेक्टेड भी था इसलिए साथ साथ मैंने थ्री डायमेंशन मोशन का भी लिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी सर टू डायमेंशन के एग्जाम्पल कौन है तो बता दिया मैंने आपको, प्रक्षेप गति और वर्ताकार गति, प्रक्षेप गति और वर्ती गति। तो प्रक्षेप गति को मुझे पढ़ना है, टू डायमेंशन मोशन है, वर्ताकार पथपी गति भी टू डायमेंशन मोशन है, तो इनको दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो पहले हम क्या शुरू करेंगे, प्रक्षेप गति शुरू करेंगे। प्रक्षेप गति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे वर्ताकार पथपी गति, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है सर, टू डायमेंशन मोशन के, टू डायमेंशन मोशन कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।